उसी साझेदारी की, ऐसी ही पार्टनरशिप की आवश्यकता रहेगी तेलुगु वॉरियर्स को। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हालांकि संभावनाओं की तलाश में तेलुगु वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने बीच बीच में जोरदार स्ट्रोक्स जरूर लगाए हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस समय स्कोर 115 रन दो विकेट के नुकसान पर, 47 गेंदों के ऊपर 95 रनों की आवश्यकता। अपनी टीम से काफी उम्मीदें होंगी वेंकटेश को, जो कि डगआउट क्षेत्र में मौजूद हैं, लगातार तालियां बजा करके अपने बल्लेबाजों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं की, तीसरा झटका लगा तेलुगु वॉरियर्स को। इसी के साथ अखिल, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान, आउट होकर के पवेलियन लौटेंगे खुशी के क्षण। और इस समय से लगता है कि शायद अंपायर अक्षय मराठे तीसरे अंपायर से नौ बॉल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अखिल जिस समय बाहर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने बल्लेबाज को थोड़ा सा रुक करके जाने के लिए कहा था, लेकिन कर्नाटक बुलडोजर्स के डगआउट में एक नई लहर, उसका कारण ये कि अखिल टीम के कप्तान, जो कि आउट होकर के पवेलियन लौट रहे हैं। अखिल के आउट होने के पश्चात Ashwin is a new batsman and he will be taking the strike because the two batsmen did not cross.